अगर आपको चाहिए 25,000 रुपए के अंदर सबसे पावरफुल गेमिंग और कैमरा स्मार्टफोन्स, जिसमें कम से कम 120Hz से 144Hz फास्ट रिफ्रेश रेट हो, एमोलेड और पीओलेड डिस्प्ले के साथ सबसे पावरफुल गेमिंग प्रोसेसर हो, बेस्ट कैमरा सेटअप, बैटरी बैकअप और डिजाइन भी अच्छी हो, तो आपने एकदम सही वीडियो पे क्लिक किया है, क्योंकि हम लग रहा है इस वीडियो में टॉप 5 बेस्ट पावरफुल 5G स्मार्टफोन्स 25,000 रुपए के अंदर, जो बहुत कुछ देते हैं। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं दिलीप आपका स्वागत करता हूं टेक आदमी चैनल पर। चले बिना किसी तरीके इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फुल डिटेल जानते हैं इसी फोन के बारे में। हाँ, इस लिस्ट में जितने फोन है सभी फोन अपने अपने प्राइसिंग के हिसाब से अपने अपने जगह पे बेस्ट है। वैसे तो हमने इनको नंबर वाइज नहीं रखे हैं, क्योंकि ये सभी फोन्स अपने परफॉर्मेंस और फीचर्स के हिसाब से जाने जाते हैं, क्योंकि कोई फोन इस प्राइस रेंज में सबसे बेस्ट कैमरे के लिए, कोई गेमिंग के लिए, कोई यूआई और एंड्रॉइड अपडेट के लिए, और हाँ इसमें आपको ऑलराउंडर भी फोन मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला फोन है मोटोरोला H50 फ्यूजन 5G। सबसे पहले डिजाइन की बात करते तो इसमें दो चॉइस मिलता है, PMMA और वीगेन लेदर। बाकी फ्रेम तो PMMA प्लास्टिक के थ्रू ही डिजाइन किया गया है और फ्रंट में पंच होल कर्व डिस्प्ले देखने को मिलती है। बाकी लुक जबरदस्त है। लाइट वेट फोन है जिसका वेट 177 ग्राम है। सभी बटन सपोर्ट मिलते हैं, लेकिन 3.5mm जैक नहीं मिलता है। डुअल स्टीरियो स्पीकर है जिसमें डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी है, नॉइस कैंसिलिंग माइक्रोफोन है और साथ में वीडियो वॉइस फोकस माइक्रोफोन भी है। इन डिस्प्ले फिंगर सेंसर मिल जाती है। इसके अदर फीचर्स की बात करें तो 5000mAh की बैटरी है, 68 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है, टाइप C2C डाटा के साथ में मिलता है, और हाँ सबसे बड़ी बात की इसमें आपको IP68 की रेटिंग मिलती है, जो डस्ट से तो बचाएगा ही, बारिश के बूंदों से भी बचाएगा। डिस्प्ले की बात करें तो 6.67 इंच का फुल HD प्लस 10 बिट पीओलेड डिस्प्ले है, 144Hz फास्ट रिफ्रेश रेट है, 360Hz टच सैंपलिंग रेट दिया गया है और 1600 nits पीक ब्राइटनेस है, वाइड बैंड 11 का सपोर्ट है, HDR का सपोर्ट मिलता है YouTube पे। बाकी हाँ डिस्प्ले आपको अच्छी मिल जाती है, कलर डिटेलिंग और व्यू एंगल एकदम बढ़िया है, बाकी कर्व है तो लुक भी अच्छा हो जाता है, लेकिन Netflix पे आपको HDR सपोर्ट नहीं मिलता है। प्रोसेसर है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 जो 4nm चिपसेट पर बेस्ड है और अंततः इसको 6,10,000 के आसपास आता है। इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से ये प्रोसेसर अच्छा परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है, जिसमें आप 60fps की गेमिंग कर पाएंगे हाई सेटिंग पे। लेकिन हाँ इससे भी तगड़ा परफॉर्मेंस वाला फोन इस लिस्ट में है, इसलिए इस फोन को आप परफॉर्मेंस वाइज एवरेज मान के चलिएगा। बाकी स्टोरेज के लिए LPDDR4 XM टाइप दी गई है, फ्लैश 2.2 स्टोरेज टाइप मिल जाती है, लेकिन हाँ इसे अपग्रेड किया जा सकता था, इसके वजह से परफॉर्मेंस और भी बेटर हो जाती है। UI की बात करें तो मोटोरोला का हेलो UI मिलते हैं, एंड्रॉइड 14 पे बेस्ड है, 3 साल का एंड्रॉइड अपडेट, 4 साल का सिक्योरिटी अपडेट भी मिलेगा, और सबसे बड़ी बात की इसकी UI आपको एकदम क्लीन मिलती है, कोई भी थर्ड पार्टी ऐप बुलेटवेयर का झंझट नहीं है, क्लीन UI मिलती है, और हाँ एंड्रॉइड 17 तक अपडेट मिलेगा, तो ये भी अच्छी बात है। बाकी जिस फोन का भी UI क्लीन होता है उसका यूजर एक्सपीरियंस एकदम बेटर होता है, क्योंकि वहाँ कोई भी एडवर्ट का सामना नहीं करना पड़ता है। कैमरे की बात करें तो 50MP का मेन कैमरा, 13MP का अल्ट्रा वाइड और फ्रंट मिलता है 32MP का सेल्फी कैमरा। कैमरा सेटअप तो बेस्ट है ही, बाकी प्राइमरी कैमरे में लेटेस्ट सोनी का सेंसर इस्तेमाल किया गया है, जो अच्छे अच्छे फोटो और वीडियो प्रोवाइड करता है। बाकी वीडियो क्वालिटी बात करें तो रियर और फ्रंट दोनों कैमरे से 4K रिकॉर्ड कर सकते हैं, यानी क्वालिटी अच्छी आएगी फोटो और वीडियो की। लेकिन हाँ ये फोन स्पेशली कैमरे के लिए नहीं है। कनेक्टिविटी बात करें तो 15 5G का सपोर्ट है, वाईफाई 6 है, ब्लूटूथ 7.2 है, डुअल 4G वोल्टी का सपोर्ट है, NFC भी इसमें मिल जाती है। और दोस्तों इस प्राइस पॉइंट पे मोटोरोला ने एक बेस्ट स्मार्टफोन लॉन्च किया है जो ऑलराउंडर है, तो अगर आपको ऑलराउंडर फोन चाहिए तो इसे आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं, बाकी आप नेगेटिव और प्लस पॉइंट देख सकते हैं। दूसरा फोन है OnePlus Nord CE4 5G। डिजाइन की बात करें तो पूरे बॉडी को प्लास्टिक से डिजाइन किया गया, बाकी फ्रेम भी प्लास्टिक का ही है और फ्रंट में पंच होल प्लेट डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। इस फोन का डिजाइन भी कुछ कम नहीं है। बटन सपोर्ट्स की बात करें तो 3.5mm जैक और अलर्ट स्लाइडर नहीं है। बाकी डुअल स्टीरियो स्पीकर है, नॉइस कैंसिलिंग माइक्रोफोन है, IR ब्लास्टर है और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दी गई है। इसके अदर फीचर्स की बात करें तो 5500mAh की बैटरी है, 100W का फास्ट चार्जर है, टाइप ए टू टाइप सी डाटा के साथ में है और IP54 की रेटिंग दी गई है। डिस्प्ले की बात करें तो 6.7 इंच का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले है, 120Hz रिफ्रेश रेट है, 240Hz टच सैंपलिंग रेट दिया गया है और 1100 nits पीक ब्राइटनेस मिलती है, वाइड बैंड 11 का सपोर्ट है, HDR 10 प्लस का सपोर्ट भी मिलता है। डिस्प्ले अच्छी है, कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया, व्यू एंगल कलर और डिटेलिंग एकदम अच्छे देखने को मिल जाती है, बाकी कर्व नहीं है, फ्लैट डिस्प्ले, किसी को फ्लैट पसंद है किसी को कर्व,
तो आप देख सकते हैं। प्रोसेसर है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 7 जेन 3 जो 4 नैनोमीटर चिपसेट पे बेस्ड है और अंततः इसको 8.5 लाख के आसपास आता है। ये भी प्रोसेसर अच्छा है जो अच्छे परफॉर्मेंस के साथ आता है जिसमें आप 60fps की गेमिंग कर पाएंगे वो भी हाई सेटिंग पे। बाकी स्टोरेज टाइप के लिए LPDDR4X रैम टाइप मिलता है, 3.1 स्टोरेज टाइप मिल जाता है। स्टोरेज टाइप यहाँ आपको अच्छी मिल जाती है जो परफॉर्मेंस को बूस्ट करती है। UI एंड सिस्टम की बात करें तो ऑक्सीजन OS 14 UI मिलता है, एंड्रॉइड 14 पे बेस्ड है। 2 साल का एंड्रॉइड अपडेट मिलेगा, 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट भी मिलेगा, लेकिन हाँ यहाँ आपको UI क्लीन नहीं मिलेगी। यहाँ पे भर भर के थर्ड पार्टी ऐप ब्लटवेयर एडवर्ट देखने को मिलते हैं जिन्हें आप रिमूव करके इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी UI आपको बेटर क्लीन नहीं मिलने वाली है। यहाँ कैमरे की बात करें तो 50 MP का मेन कैमरा, 8 MP का अल्ट्रावाइड और फ्रंट मिलता है 16 MP का सेल्फी कैमरा। इस फोन का भी कैमरा ठीक ठाक है जो अच्छे अच्छे फोटो और वीडियो प्रोवाइड करता है। बाकी वीडियो कॉलिंग बात करें तो रियर कैमरे से 4K30 रिकॉर्ड कर सकते हैं और फ्रंट से 1080p30 रिकॉर्ड कर सकते हैं। कनेक्टिविटी बात करें तो 7.5 बैंड का सपोर्ट है, डुअल बैंड वाईफाई है, ब्लूटूथ 5.4 है, डुअल 4G LTE का सपोर्ट है, NFC नहीं है। और दोस्तों इस प्राइस सेगमेंट में OnePlus भी एक अच्छा फोन लॉन्च किया है जिसमें कोई चीज स्पेशल तो नहीं है, लेकिन हाँ ऑलराउंडर आप इसे मान सकते हैं और OnePlus लवर्स के लिए तो बेस्ट है ही। बाकी नेगेटिव और प्लस पॉइंट देख सकते हैं। तीसरे नंबर फोन है Samsung Galaxy M55 5G। डिजाइन की बात करें तो पूरे बॉडी को प्लास्टिक से डिजाइन किया गया है। फ्रंट में पंच होल फ्लैट डिस्प्ले मिलती है, सभी बटन सपोर्ट्स मिलते हैं, लेकिन 3.5mm जैक इसमें भी नहीं है। डुअल स्टीरियो स्पीकर है जिसमें डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी है। नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दी गई है। अदर फीचर्स की बात करें तो 5000mAh की बैटरी है, 45W चार्जिंग को सपोर्ट करता है, लेकिन एडाप्टर आपको अलग से परचेज करना पड़ेगा, केवल टाइप C2C डाटा के साथ में मिलता है। और हाँ IP रेटिंग भी मिलती है। डिस्प्ले की बात करें तो 6.7 इंच का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले है, 120Hz फास्ट रिफ्रेश रेट है, 240Hz टच सैंपलिंग रेट दिया गया और 1000 निट्स ब्राइटनेस मिलती है। वाइड बैंड एलुमिनियम का सपोर्ट है, HDR10 प्लस का सपोर्ट तो मिलता ही है। बाकी सैमसंग के डिस्प्ले से तो डिस्प्ले में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है, व्यू एंगल कलर और डिटेलिंग अच्छी देखने को मिलती है, यानी डिस्प्ले अच्छी क्वालिटी की है। प्रोसेसर है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 7 जेन 1 जो 4 नैनोमीटर चिपसेट पे बेस्ड है और अंततः इसको 5,90,000 के आसपास आता है। स्टोरेज टाइप के लिए इसमें भी LPDDR4X रैम टाइप मिलता है, 3.1 स्टोरेज टाइप मिल जाता है। परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से 60fps में गेमिंग कर पाएंगे, लेकिन ये भी फोन स्पेशली गेमिंग के लिए नहीं है। UI सेटिंग बात करें तो 1UI 6.1 UI मिलता है, एंड्रॉइड 14 पे बेस्ड है। और सबसे बड़ी बात की इसमें आपको 4 साल का एंड्रॉइड अपडेट मिलेगा, 5 साल का सिक्योरिटी अपडेट भी मिलेगा और हाँ कुछ थर्ड पार्टी पे देखने को मिलते हैं जिन्हें आप रिमूव करके इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी इसकी भी UI इतनी क्लीन नहीं मिलती है। कैमरे की बात करें तो 50MP का मेन कैमरा है OIS के साथ, 8MP का अल्ट्रावाइड, 2MP का माइक्रो और फ्रंट में भी 50MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है। इस फोन का भी कैमरा सेटअप अच्छा मिल जाता है जो अच्छे अच्छे फोटो और वीडियो प्रोवाइड करता है। बाकी वीडियो कॉल की बात करें तो रेयर फोन दोनों कैमरे से 4K30 रिकॉर्ड कर सकते हैं, अच्छी क्वालिटी की वीडियो प्रोवाइड की जाती है। कनेक्टिविटी बात करें तो 3.5 बैंड का सपोर्ट है, वाईफाई 6, ब्लूटूथ 5.2 है, डुअल 4G LTE का सपोर्ट है, NFC भी इसमें मिलती है। और दोस्तों इस प्राइस सेगमेंट में सैमसंग ने भी एक अच्छा फोन लॉन्च किया जो ऑलराउंडर है। बाकी आप नेगेटिव और प्लस पॉइंट को देख के डिसाइड कर सकते हैं कि ये फोन आपके लिए बेस्ट रहेगा या नहीं। चौथा नंबर फोन है Realme 12 Pro 5G। डिजाइन की बात करें तो इसका बैक पैनल वेगन लेदर का मिलता है, फ्रेम प्लास्टिक के थ्रू डिजाइन किया गया है और फ्रंट में पंच होल कर्व डिस्प्ले मिलती है। बाकी डिजाइन के मामले में एकदम जबरदस्त है, सभी बटन सपोर्ट्स मिलते हैं, 3.5mm जैक छोड़ के, डुअल स्टीरियो स्पीकर जिसमें डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी है, नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन है, आईआर ब्लास्टर है और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दी गई है। अदर फीचर्स की बात करें तो 5000mAh की बैटरी है, 67W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है, टाइप ए टू टाइप सी अडैप्टर के साथ में मिलती है और हाँ इस फोन में IP65 की रेटिंग दी गई है। डिस्प्ले की बात करें तो 6.7 इंच का फुल HD प्लस PoLED डिस्प्ले है, 120Hz फास्ट रिफ्रेश रेट है, 240Hz टच सैंपलिंग रेट दिया गया, 950 निट्स ब्राइटनेस मिलती है, वाइड बैंड L1 का सपोर्ट है, HDR का सपोर्ट तो मिलता ही है। दोस्तों ये भी 10-bit डिस्प्ले में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है, व्यू एंगल कलर और डिटेलिंग अच्छी देखने को मिलती है। बाकी हाँ इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से अच्छी डिस्प्ले मिल जाती है, डिस्प्ले अच्छी क्वालिटी की है। प्रोसेसर है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 6 जेन 1 जो 4 नैनोमीटर चिपसेट पे बेस्ड है और इसका अंततः इसको 5,80,000 के आसपास आता है। स्टोरेज टाइप के लिए LPDDR4X रैम टाइप मिलता है, 3.1 स्टोरेज टाइप मिल जाता है। ये भी प्रोसेसर ठीक ठाक परफॉर्मेंस देता है, आप इसमें 60fps में गेमिंग कर पाएंगे। बाकी स्पेशली गेमिंग के लिए फोन तो नहीं है,
आगे आपको पता चलेगा किस लिए ये बेस्ट फोन रहेगा। UI मत तो Realme का 5.0 UI मिलता है Android 14 पे बेस्ट है। 2 साल का Android अपडेट मिलेगा, 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट भी मिलेगा, लेकिन हाँ इसकी UI क्लीन नहीं मिलेगी। आपको भर भर के थर्ड पार्टी ऐप देखने को मिलते हैं जिन्हें आप रिमूव करके इस्तेमाल कर सकते हैं। कैमरे की बात करूं तो ये फोन आता है बेस्ट कैमरे सेटअप के साथ। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है विद OIS, 32 मेगापिक्सल का टेलीफोटो विद OIS, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड और फ्रंट मिलता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। दोस्तों कैमरा सेटअप इस फोन में तो अच्छा मिलता ही है जो अच्छे अच्छे फोटो और वीडियो प्रोवाइड करता है। बाकी वीडियो कॉल की बात करूं तो रैक में से 4K30 रिकॉर्ड कर सकते हैं और फ्रंट से 1080p 30 रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो आप इस फोन को कैमरे पॉइंट ऑफ व्यू से चेकआउट कर सकते हैं 25,000 रुपए के अंदर जो बेस्ट कैमरा सेटअप देता है। कनेक्टिव की बात करूं तो 9.5G का सपोर्ट है, वाईफाई 6, ब्लूटूथ 5.2 है, डुअल 4G वोल्टी का सपोर्ट है, NFC नहीं है। और दोस्तों इस प्राइस सेगमेंट में Realme एक अच्छा फोन देता है जिसे आप कैमरे पॉइंट ऑफ व्यू से चेकआउट कर सकते हैं। बाकी आप नेगेटिव और प्लस पॉइंट को देख के डिसाइड कर सकते हैं कि यह फोन आपके लिए बेस्ट रहेगा या नहीं। पांचवा फोन है पोको X6 Pro 5G। डिजाइन की बात करो तो इसमें आपको दो चॉइस मिलता है, वीगन लेदर और पॉलीकार्बोनेट, जिसकी लुक अच्छी है। बाकी फ्रंट में पंच होल फ्लैट डिस्प्ले मिलता है, सभी बटन सपोर्ट्स मिलते हैं, 3.5mm जैक छोड़ के डुअल स्टीरियो स्पीकर है जिसमें डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी है, नॉइस कैंसिलिंग माइक्रोफोन है, आईआर ब्लास्टर है और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दी गई है। अदर फीचर्स की बात करें तो 5000mAh की बैटरी है, 67 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है, टाइप ए टू टाइप सी चार्जिंग साथ में है और IP54 की रेटिंग भी दी गई है। डिस्प्ले की बात करें तो इस फोन का डिस्प्ले सबसे तगड़ा है इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से। 6.67 इंच का 1.5K AMOLED डिस्प्ले है, 120Hz फास्ट रिफ्रेश रेट है, 480Hz टच सैंपलिंग रेट दिया गया है और 1800 nits पीक ब्राइटनेस है, वाइड बैंड 11 का सपोर्ट है, डॉल्बी विजन, HDR 10 प्लस सब का सपोर्ट मिलता है। 12-bit डिस्प्ले, दोस्तों डिस्प्ले में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है, सबसे तगड़ा इस प्राइस सेगमेंट में डिस्प्ले मिलता है जिसकी कलर डिटेलिंग और व्यू एंगल सबसे बेस्ट है, अगी कॉम्प्रोमाइज तो कोई नहीं है। और प्रोसेसर MediaTek Dimensity 8300 अल्ट्रा जो 4 नैनोमीटर चिपसेट पे बेस्ड है और अंततः इसको 14 लाख से भी ज्यादा आता है। बाकी स्टोरेज टाइप के लिए LPDDR5X रैम टाइप मिलता है, 4.0 स्टोरेज टाइप मिल जाता है। परफॉर्मेंस के मामले में ये फोन तगड़ा है, तो इस प्राइस सेगमेंट में अगर आप गेमिंग फोन चेकआउट करना चाहते हैं तो इसे आप जरूर चेकआउट करिएगा। UI बात करो तो HyperOS UI है, Android 14 पे बेस्ड है, 3 साल का एंड्रॉइड अपडेट मिलेगा, 4 साल का सिक्योरिटी अपडेट भी मिलेगा। इसकी भी UI क्लीन नहीं है, इसमें भी भर भर के थर्ड पार्टी ऐप देखने को मिलते हैं जिन्हें आप रिमूव करके इस्तेमाल कर सकते हैं। कैमरे की बात करूं तो 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है विद OIS, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो और फ्रंट मिलता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। कैमरा सेटअप इसमें आपको अच्छा मिल जाता है जो अच्छे अच्छे फोटो और वीडियो प्रोवाइड करता है। बाकी वीडियो कॉल की बात करूं तो रैक में से 4K30 रिकॉर्ड कर सकते हैं, फ्रंट से 1080p 30 रिकॉर्ड कर सकते हैं। कनेक्टिविटी बात करें तो 14.5G का सपोर्ट है, वाईफाई 6 है, ब्लूटूथ 5.4 है, डुअल 4G वोल्टी का सपोर्ट है, NFC भी इसमें मिल जाती है। और दोस्तों इस प्राइस सेगमेंट में पोको एक सबसे तगड़ा परफॉर्मेंस वाला फोन देता है जो गेमिंग के लिए बेस्ट रहेगा। बाकी आप निगेटिव और प्लस पॉइंट को देख के डिसाइड कर सकते हैं ये फोन आपके लिए बेस्ट रहेगा या नहीं। बाकी दोस्तों इस लिस्ट में हमने जितने भी फोन बताए सभी फोन अपने अपने प्राइस सेगमेंट के हिसाब से अपने अपने जगह पे बेस्ट है। वैसे तो हमने इनको नंबर वाइज नहीं रखा था क्योंकि ये सभी फोन्स अपने अपने फीचर्स और परफॉर्मेंस के हिसाब से जाने जाते हैं। तो इनमें से जो भी फोन आपको पसंद है उसे आप चेकआउट कर सकते हैं। एक काम और कर सकते हैं, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।